हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहां पे एक नया बायबैक आ चुका है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड है, वहां पे बायबैक के इसके अपडेट आ चुके हैं। सो बेसिकली यहां पे आपके मन में जो भी डाउट चलेगी, इसमें कितना क्या प्रॉफिट निकलने वाला, प्राइस क्या है, डेट्स क्या है, कि कब इसका शेयर खरीदें, कितने नंबर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स में खरीदेंगे, तो कितने क्या लग सकते हैं हमारे बायबैक में, कैसे क्या अप्लाई करना है, लाइक ये एवरीथिंग आपके जो क्वेश्चन है ना, इसमें ही आपको इसके क्या आंसर आपको मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे इफ अगर आप धानुका एग्रीटेक में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड में आपको क्लियर करवा दूंगी। धानुका एग्रीटेक का अगर आप देखोगे, सो इसका जो है मंडे के दिन क्लोजिंग कितने पे हुआ है, 1763 का। ऑलमोस्ट स्टॉक 3.21% डाउन था बिकॉज ऑफ मार्केट पूरा क्रैश हुआ। यहाँ पे स्टॉक से बहुत ही गंदे तरीके से गिरे हैं। कंपनी का यहाँ स्टॉक भी देखो 31.5 का दिया, जो कि इंडस्ट्री भी 37. कितना 3 का दिया, जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ROCE कितना 26% है एंड ROE कितना 20%, जो कि अच्छा रिटर्न्स कंपनी ने दिया हुआ है। यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स का 32% का कंपनी रिटर्न्स भी दी हुई है। इवन कंपनी का डेट देखो तो ना के बराबर है, 27 करोड़ का आसपास कंपनी का डेट है एंड कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पैसा प्रोवाइड करे 0.79% का। बाकी नेक्स्ट वही कंपनी के क्वार्टर्स की बात करेंगे, कंपनीज के जून के रिजल्ट भी आ चुके हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है, 494 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। प्रॉफिट नेक्स्ट रेवेन्यू कंपनी का है, प्रॉफिट्स ऑफ नंबर कंपनी के यहाँ पे दिए हुए, जो कि पिछले क्वार्टर 59 का प्रॉफिट था, अभी 49 का हो गया है। सो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास डिफरेंस आया, बट यहाँ पे कंपनी की बायबैक भी ला रही है एंड यहाँ पे ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया 239 करोड़ के आसपास। एंड बैलेंस शीट में यहाँ पे देखेंगे जो रिजर्व जो यहाँ पे कितने का दिया हुआ, ऑलमोस्ट देखोगे तो कितना 1247 का कंपनी का यहाँ पे क्या रिजर्व ऑलरेडी क्या दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे अदर्स चीज लाइक होल्डिंग्स की बात करेंगे ना, शेयर होल्डिंग्स, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 70.98% का जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। FIR शेयरिंग 1.53%, जो कि पिछले क्वार्टर थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या इंक्रीज किया गया है। DIR शेयर होल्डिंग पे देखो तो लगभग 1% यहाँ पे क्या बड़ा, पिछले क्वार्टर में 18.90% था, जो कि बढ़कर 19.29% हो गया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 9% है। सो टोटल नंबर्स ऑफ जो होल्डर्स हैं ना कंपनी में कितने हैं, 32,777 के आसपास कंपनी में क्या ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो, कितने 33,000 के आसपास कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं ये कंपनी में। अब बायबैक आया सो ऑलमोस्ट बात यही है कि इसमें नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, लोग इसके शेयर्स खरीदेंगे सब। सो अभी रिटेल्स कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे बायबैक एक्सेप्ट करेगी कंपनी, वो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो डायरेक्टली हम यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एक चीज हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का सिक्योरिटी नेम, सिक्योरिटी टाइप, टेंडर ऑफर, इश्यू साइज कितना है यहाँ पे अगर आप देखो, सब 5 लाख दिया हुआ है। इश्यू साइज अमाउंट 100 करोड़ है। बायबैक प्राइस 2000 है। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर है एंड BSE NSE स्टॉक खरीदोगे तब वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं बायबैक के लिए। लास्ट डेट जो है इसका अगस्त 16 दिया गया, अगस्त 16 के पहले जिसके पास भी शेयर है वही इसमें क्या बायबैक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे थे ऑलमोस्ट 58-15 रुपीज स्टॉक क्या डाउन था। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेल शीट पे जाते हैं, जो मैंने डिटेल्स वहां पे बोले हुए थे वो डिटेल्स एक्जैक्टली आपको दिखेंगे। ये रहा एक्चुअली 3 बायबैक का अपडेट आया, सो सीरा का था, धानुका एक्टेक का, ये रहा डिटेल्स। ओके, सो टोटल साइज कितना है, 100 करोड़ दिया हुआ है। सो 100 करोड़ एंड मैंने आपको रिजर्व कितना इसका दिखाया था, रिजर्व अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे, ये रहा कंपनी का रिजर्व, जस्ट सेकंड गाइस। ओके, बैलेंस शीट में इसका रिजर्व था 1247। सो 1247 ऑलमोस्ट अगर आप देखने जाओगे तो इसका कितना परसेंट बनता है, ऑलमोस्ट देखोगे ना सो इसका हार्डली कितना 8% बनता है। सो 8% के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, इसके रिजर्व सीट ऑलरेडी है। अब बाकी बचता है यहाँ पे कितना 75,000 के आसपास क्या है रिटेल कैटेगरीज को आता है। सो 75,000 कंपनी शेयर्स का एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम द रिटेलर्स के पास से बायबैक के लिए। बाकी टोटल नंबर शेयर्स ऑफ 5 लाख के आसपास कंपनी तो क्या है यहाँ पे क्या है वो एक्सेप्ट करेगी फॉर द बायबैक के लिए इतना ला रही। बाकी 8% तो रिजर्व के लिए है, बाकी 75,000 क्या बचता है हमारे लिए। अब करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 1763, बायबैक प्राइस 2000 दिया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सो इफ अगर करंट मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है एंड बायबैक प्राइस को माइनस करोगे ना, सो एक्जैक्टली आपका जो प्रॉफिट बनता है कितना 2.37 रुपीज का बनता है, जो कि परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे 13.45% बनता है। अब ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाला है,
ये जो आपका प्रॉफिट है ना 237 प्रॉफिट लेना, डिवाइड बाय ये करना आपका जो करंट मार्केट प्राइस है एंड परसेंटेज का साइन डालोगे, आपका जो एग्जैक्ट जो परसेंटेज बनेगा ये बनेगा 13.45%, ऐसे परसेंटेज आपको निकालना है। सो इफ अगर आप इसमें सोच रहे हो कि एक क्वांटिटी लेके मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, सो देखो मिनिमम प्रॉफिट आपको 237 रुपीज ही मिल रहा है। सो हो सके तो इसमें जो प्रॉफिट आपको ज्यादा बुकिंग करना है, सो नंबर्स ऑफ शेयर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करो, अलग अलग डीमेट अकाउंट, ये नहीं कि आपके पास एंजल वन का है, एपस्टॉक का है एंड अदर बाकी का है, ऐसे नहीं। घर में अगर 5 से 6 लोग हैं उनके अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाइंग करोगे तो सब में एक्सेप्ट हो सकता है, मैं बोल रही हूँ। बाकी अगर खुद के डीमेट अकाउंट से सोच रहे हो कि मैं 10 शेयर खरीदूंगा तो 10 के 10 एक्सेप्ट होंगे, 10 के 10 एक्सेप्ट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे साइज ही कितना 75,000 है एंड नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं कंपनी के, जो कि आपको मैंने बताया था शेयर होल्डर्स लगभग 32,000, लगभग 33,000 पकड़ लो, 33,000 खाली शेयर होल्डर्स है कंपनी में। सो ऑलमोस्ट उसमें से तो अभी 32 है, जैसे इसका बाय बाय का इसका ऑलरेडी न्यूज जैसे जैसे मालूम पड़ेगा लोग इसमें शेयर्स खरीदेंगे, सो 40 से 50,000 शेयर होल्डर ऐसे ही बन जाएंगे, तो उसमें लगने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी एंड डीमेट अकाउंट से आपको अप्लाइंग करना, जहां पे क्या 101% श्योरिटी रहता है कि आपका बायबैक का एक्सेप्ट होगा ही होगा। सो ये चीज आपको क्या ध्यान में रख के चलना है अगर आप बायबैक अप्लाइंग करने जा रहे हो इसमें। तो बाकी इफ अगर आप नंबर्स ऑफ शेयर अगर आप देखोगे, अगर 100 क्वांटिटी खरीदोगे ना 100 क्वांटिटी, तो आपका कितना इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा लगभग, पकड़ सकते हैं यहाँ पे कितने का है, ऑलरेडी दिया हुआ है 1,82,000 का। ओके 1,82,000 का आपका क्या इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, वैल्यू आपको इतना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको इसमें पैसा कमाना है तो। बाकी यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी में खरीदोगे, जितने को नंबर्स ऑफ क्वांटिटी आपका एक्सेप्ट होंगे बायबैक के लिए उतना आपको प्रॉफिट का बुकिंग होगा। सो एक्चुअली ये आपको कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया 75,000 ही है एंड यही आपके क्या डिटेल्स एक्चुअली दिए गए हैं यहाँ पे। बाकी कंपनी का अगर हम यहाँ पे और चीजें देखेंगे, सो कंपनी ने लास्ट 1 वीक में कितना 7.31% का रिटर्न्स भी दिया हुआ है। सो इफ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सोच रहे हो ना, ये शेयर आपको काफी अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। सो ये एक्चुअली इसके क्या डिटेल्स दिए हुए 19 19, एक्चुअली 16 अगस्त के पहले आपको शेयर्स वगैरह खरीदना, बाकी कुछ भी अगर डिटेल्स ऐसी कंपनी के आएंगे सो मैं जरूर आपको अपडेट कर दूंगी। एंड 12 यहाँ पे बाय प्राइस जो है 2,000 का एक्चुअली क्या दिया हुआ है। सो ये चीज आपको ध्यान में रख के ही इसका क्या है शेयर आपको बाइंग करना ट्यूजडे के दिन। सो आई थिंक आपके जो डाउट है वो क्लियर आउट हो गए हैं एंड कुछ भी इफ अगर आपको डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट आप डाल दीजिएगा। सो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।